हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहां पर बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो एड्स आ रहे हैं उसको कैसे क्लोज करें। दोस्तों बहुत सारा जो मोबाइल होता है बहुत सारे कंपनियां के होती हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पर जो आपको प्रोसेस समझा रहे हैं उसको बस आपको यहां पर फॉलो करना है, आपका एकदम एड्स क्लोज हो जाएगा। दोस्तों इसके वजह से बहुत सारे लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं कि भाई वो जब सोते हैं या जागते हैं या कुछ भी काम करते हैं उनके मोबाइल पर स्क्रीन पर एड्स आ जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में पूरा डिटेल समझा रहे हैं कि इसको कैसे क्लोज करें, बस आपको यहां पर जो स्टेप बता रहे हैं इसको पूरा आपको फॉलो करना है और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी। तो दोस्तों मैं हूं अंजार खान और आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु हिंदुस्तान में स्वागत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। तो दोस्तों सीधे ले चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर और पूरा डिटेल समझाते हैं कि इसको कैसे क्लोज करें। दोस्तों यहाँ सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च बार है, यहाँ पर आपको सिंपल एड्स यहाँ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्स है, इसी पर आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिए इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स, ये वाला देखिए अगर आपका ऑन होगा तो यहाँ पर देखिए इसको आपको ऑफ कर लेना है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी है और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, ये आपको रिसेट भी करना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर नहीं दूसरा जगह जा करके हम आपको इसको भी रिसेट करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रोसेस है उसको भी ध्यान से सुनना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ओवर, यहाँ पर देखिए ओवर लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ओवर अदर द ऐप यहाँ पर है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ओवर अदर द ऐप है, इसी पर आपको टैप करना है और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है अलाउ है, यहाँ पर देखिए इसको बंद करना है, लेकिन सबको नहीं बंद करना है, जो आप इसमें यूज नहीं करते हैं उसको आपको यहाँ पर बंद कर देना है, क्योंकि ये जैसे एप्लीकेशन ऑन हो जाता है उसके बाद ये एड्स अचानक ये गूगल क्रोम यहाँ पर दिखाने लगता है। तो जिसको आप यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको बंद मत कीजिएगा, जिसको आप यूज नहीं करते हैं उसको आप आ करके यहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो प्रोसेस है उसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा मोबाइल है वो अलग अलग वो कंपनियाँ के होते हैं, इसलिए सब में अलग अलग तरीका होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गूगल है, इसी में आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पर देखिए एड्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ पर देखिए इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स है, यहाँ पर देखिए इसी को हम बोल रहे थे आपको यहाँ पर क्लोज करना है, वहाँ पर जाने के बाद यही यहाँ पर देखिए हमको दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी है, इसमें आपको कन्फर्म कर लेना है, और यहाँ पर डिलीट है, इसको आपको देखिए यहाँ पर डिलीट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेटा एंड प्राइवेसी है, इसमें आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे आना है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इंटरनेट समस्या है, माई एड सेंटर, इसी में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्लिक कर देना है, यहाँ पर देखिए मेरा ऑफ है, यहाँ पर देखिए ऐसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए गॉट इट है, इसको आपको क्या करना है यहाँ पर आकर के इसको ऑफ कर लेना है, क्योंकि हम आपको ऑफ करके दिखा देते हैं, तो ये काम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है, इसमें हट जाना है, मोबाइल में सब काम कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए गूगल जो क्रोम है इसमें आपको आना है, तो यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए साइट सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये इसमें है मेरा मोबाइल में, यहाँ पर एड्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, आपके मोबाइल में एड्स का ऑप्शन दिखाएगा उसको आपको क्लोज कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये मेरा है फ़ोन वीवो V25, लेकिन बहुत सारा मोबाइल में यहाँ पर दिखाता है इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स है, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिए ये मेरा ऑफ है, इसको आपको ऑफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पार्टी कुकीज़ है, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिए अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़ है, यहाँ पर देखिए ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इंक्लूडो मोड, उसके बाद ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ से बैक चले जाना है। तो यहाँ पर जितना प्रोसेस आपको बताएं ये पूरा अगर कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपके पास ऐड क्लोज नहीं होता है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको आना है प्ले स्टोर में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको यहाँ पर लिखना है एड्स ब्लॉकर, यहाँ पर देखिएगा ब्लॉकर, यहाँ पर देखिए एड्स ब्लॉकर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारा यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन दिखा देगा,
यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है जॉकेट करके है, यहाँ पर देखिए 50 के इसका डाउनलोड किया हुआ है। ब्लॉक साइट करके यहाँ पर देखिए 5 मिलियन है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 100 मिलियन है। इसी में से आपको कोई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको ब्लॉक कर देना है। दोस्तों ये सबसे बड़ा रामबन इलाज है, अगर आपका वो सब करने से भी अगर आपका एड्स अगर क्लोज नहीं होता है तो आप ये करके देखो। दोस्तों इस पर मैं 3-4 वीडियो बना दिया हूँ हाउ टू ब्लॉक एड्स, तो इसको आपको क्या करना है कि पूरा जा करके देखना है, क्योंकि हर एक वीडियो में अलग अलग तरीका बताया गया है, आपको मेरे YouTube चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।